सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज जो गाना शूट कर रहे हैं हम लोग, वो रितेश जी ने पहले गा लिया है और बहुत ही सुपरहिट रहा है, दर्शकों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो हम लोग इस फिल्म में भी इसको फिल्मा रहे हैं और बहुत मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना और बहुत मज़ा आ रहा है। जी रितेश जी, आपकी गाना पहले से बहुत हिट हो गया है, अब उस पर डांस कर रहे हैं आप। हाँ, कुछ अलग तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस गाने को, रामदेवन मास्टर जी करा रहे हैं, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया। ये देखो मैंने लाल लाल चुन्नी भी पहना हुआ है। हाँ, और मेरा मैचिंग का लाल लाल टी शर्ट है। तो फिर मेरी लाइन क्यों नहीं है कि क्या गोरी का उल्टा क्या होगा, गोरा गोरा तो हर टी शर्ट पर लाल लाल रे, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? चाल तो कमाल गोरी ही चलती है ना। हाँ ठीक है, पर लड़का भी चाल अच्छा चलता है ना। चलिए नेक्स्ट वर्जन हम लोग ऐसा बना देंगे। हाँ मैं गाऊंगी। हाँ। लड़के पे रितेश जी, इस गाने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गाना मेरे ख्याल से बहुत पुराना गाना है। ये गाना नियर अबाउट 18 साल पहले का गाना है और हम लोगों ने इसको नए तरीके से पब्लिक के सामने लाया है और पब्लिक इसको बहुत प्यार दुलार दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे पब्लिक हैं, जितने भी हमारे दर्शक श्रोता भगवान स्वरूप हैं, उन्होंने इस गाने को बहुत पसंद किया है और आगे भी हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द सबके सामने आएगा। अच्छा, ये जो गाना है किसी छोटे बच्चे ने गाया था, मैंने एक वीडियो देखा था। वो बच्चे शायद अभी बड़े हो गए होंगे। जी उनके भी बच्चे हो गए हैं। हाँ वो बड़े हो गए, जिसे हम लोग जो ये एल्बम वाला वीडियो है तो उस वीडियो सॉन्ग में आप उन्हें देखेंगी, वो उस वीडियो सॉन्ग में है। तो बाकायदा हम लोगों ने कानूनी तरीके से NOC लेके हम लोगों ने इस गाने को किया। अच्छा अक्षरा, आपको कितना पसंद आया ये गाना? मैंने पहले ही बताया मुझे ये गाना बहुत पसंद है और पहला जो बच्चे ने गाया है, खैर पता नहीं अभी मुझे बच्चा बोलना चाहिए या नहीं, बड़े हो गए होंगे बहुत, बट वो भी बहुत अच्छा है। और रितेश जी ने जो गाया है एक फ्रेश तरीके से, आज की जो ऑडियंस पसंद करेगी वो भी बहुत अमेजिंग है। इसमें एक लाइन है कि कॉलेज में जाती हो जब तब लड़के काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज्यादा आप ही सुन के रखे हो, है देखो इतनी तेज है। तो इस लाइन के बारे में कुछ बताएंगे? कॉलेज में शायद आप भी गई होंगी, आपको किसने छेड़ा है कभी अक्षरा? प्रॉब्लम ये है ना मेरे साथ, इसी बात के लिए मैं दुर्भाग्य मानूं या क्या, मैं कॉलेज नहीं जा पाई। मुझे कॉलेज जाने का बहुत शौक रह गया दिल में, पता नहीं कब जा पाऊंगी, अब तो नहीं जा पाऊंगी। रीएडमिशन करा लीजिए, बट काम धाम छोड़ के नहीं, करते रहिएगा। अच्छा, ये अच्छा आइडिया है, तो मैं कॉलेज नहीं जा पाई हूँ। हाँ, स्कूल लाइफ में हालांकि टॉम बॉयज थी, ऐसा कुछ कभी लगा नहीं। हाँ, झगड़ा बहुत हुआ है मेरा लड़कों के साथ। किस बारे में होता था? ऐसे ही फालतू का। रितेश जी, आपका कभी कोई स्कूल में या कॉलेज में झगड़ा हुआ है अक्षरा जी की जरा? नहीं नहीं, झगड़ा मुझे तो मारते थे लोग यार, इतनी मैं बोंदी थी। मार खा के आते थे। मेरा एक प्रूफ है, इतना बड़ा प्रूफ है जो कि मैं बता नहीं सकती, मुझे शर्म आती है, जाने दो इनसे ही पूछो, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हाँ झगड़े तो सबके होते रहते हैं, वैसे भी मैं थोड़ा सा शुरू से ही शांत रहा हूँ, स्कूल लाइफ में भी कॉलेज लाइफ में भी अपने काम। अरे काम, ये बहुत ज्यादा शांत हैं ये, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ये बहुत ज्यादा शांत रहते हैं और इनके सामने कोई भी, मुझे लगता है जितनी भी हीरोइंस होंगी जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है सबको पता होगा ये कैसे हैं, एकदम चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सीन डिस्कस करने के टाइम पे भी हीरोइन को जाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा करते हैं हम लोग, तो ऐसा होता है कभी कभी। क्यों रितेश जी इतना क्यों शांत रहते हैं? शायद नेचर है। मेरा नेचर ही यही है और मुझे अच्छा लगता है थोड़ा शांति और अपने काम पे फोकस करना, यही है। अच्छा फिल्म की बात कर लीजिए, जिस फिल्म की शूट कर रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म राजा राजकुमार, और इस फिल्म के बारे में पहले भी बताई हूँ बहुत कुछ, पर हाँ ये फिल्म हमारी पहली फिल्म है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोगों को बहुत पसंद आएगा और उम्मीद है एक नए रूप में मेरी ऑडियंस जितनी है वो लोग मुझे एक नए रूप में देखेंगे इस फिल्म में, और
हमारी केमिस्ट्री भी शायद लोगों को पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद जैसे हमेशा से देते आए हैं आगे भी देते रहेंगे। इनका वेल बिहेवियर और काम में नो डाउट हमसे बहुत सीनियर हैं, तो अच्छे से कोऑपरेट करके काम करना, हर चीज़ में जहाँ गलती हो रही है वहाँ बताना, तो इंसान तो ज़िंदगी भर सीखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। तो अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं मगर एक दो बता सकते हैं जो मैंने बता दिया। इनकी क्वालिटी है ही नहीं कोई नहीं नहीं है है एक तो बहुत ही नेचर वाइज अच्छे हैं और चीज़ों को समझते हैं और पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और साथ ही कॉन्फिडेंस है, जो कि नए नए जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनमें थोड़ी सी समझ की वो रहती है, पर इनमें खास बात ये है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा हर चीज़ों को लेके, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, चाहे किसी सीन को ले लीजिए, हर चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही लोग और आगे जाके अचीव करते हैं। अक्षरा जी, अभी कुछ दिन पहले आपका एक फ़ोटो देखा था जिसमें आप सेट पर खाना बना रहे थे। हाँ, सबके लिए बना रहे थे कि हम सिर्फ अपने लिए बना रहे थे? नहीं, पूरी यूनिट के लिए बना रही थी। अक्षरा जी ने खाना बनाकर सेट पर ना एक बार मैगी बनाया था आपने जो मैंने खाया था मजनुआ, उसके बाद बाप बाप कर रहे थे। बहुत तीखा बनाते हैं, बाप रे बाप। नहीं नहीं, वो तीखा मैं इसलिए बनाती हूँ, जब कोई मुझे पहले मांग देता है ना कि आप क्या बनाने जा रहे हो, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी देना, तो मैं स्पेशली जान मुझ के इतना तीखा डाल देती हूँ, कोई नहीं खा पाए मेरा मैगी। मतलब आप किसे शेयर नहीं करना चाहते? शेयर नहीं, मैं मेरी मैगी किसी से शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मगर हमने खाया था। खाना जी, खाना में हमारी माँ बनाती है ठेकुआ, जो आटे का चीनी वीनी डाल के बनता है, वो बहुत अच्छा लगता है हमको, और घर का दाल चावल भुजिया मेरा फेवरेट है। अक्षरा, आपको मैगी के अलावा? मुझे घर का खाना पसंद है। आप बनाती भी है घर पे कुछ? खाना बनाती हूँ ना कभी कभी, समय मिलता है तो मैं अपने मम्मी पापा को बना के खिलाती हूँ। रितेश जी, आप भी कभी मम्मी पापा को बना के? हाँ, मैं सब्जी बहुत अच्छा बनाता हूँ। नहीं, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। सब्जी में बहुत अच्छा, जब मैं घर पे जाता हूँ बनारस तो हमारे पापा बोलते हैं कि आज रितेश सब्जी बनाएगा, मैं सबके लिए सब्जी सिर्फ बनाता हूँ और सब लोग बोलते हैं कि टेस्टी बनाता है, मुझे भी टेस्टी लगता है मेरा बनाया हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं सब्जी बहुत अच्छा बनाता हूँ। रितेश जी, अभी तो फैमिली से आप काफी दूर रहते होंगे, जब घर जाते होंगे तो मम्मी पापा से क्या बात होती है? फिल्म आप कभी अभिनय भी कर रहे हैं, पहले गाना ही गाते थे। बातचीत वही हालचाल, माई पापा तो अब धीरे 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 एज हो रहा है उन लोगों का, तो हम जाते हैं तो मजाक करते रहते हैं कि चार धाम के यात्रा पे, जैसे मेरा ये सपना है कि मैं उन लोगों को चार धाम के यात्रा पे लेके जाऊं, और मैं एक ना एक दिन लेके जाऊंगा, तो बहुत अच्छा लगता है जब कभी टाइम मिलता है, घर पे जाते हैं तो घर का सारा हाल माई बताती है कि किसने क्या बोला, किसने, जैसे सबसे छोटा मैं घर पे मैं ही हूँ, तो सबसे छोटा माँ का दुलारा होता ही है, तो माई हमको हर एक बात बताती है, जितने दिन से मान लीजिए 3 महीने पे घर गए तो 3 महीने का जो जो भी इंसिडेंट घर में हुआ होगा, हमारी दो बड़ी भाभियाँ हैं, बड़े भाई हैं जो घर पे रहते हैं, सारी इंसिडेंट किसने क्या किया, कौन सी अच्छी बात, कौन उनको कोई कौन सी बात उनको बुरी लगी, सारी बातें हमें बताती हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं, यही सब होता है। अच्छा, आप तो फैमिली के साथ ही रहती हैं। हाँ। अभी आप फिल्में कर रही है, अब तो आप गाना भी गा रही है, तो मम्मी पापा कुछ कहते हैं गाने के लिए? चूँकि मेरी माँ की बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं सिंगर बनूँ, और बहुत लोगों को नहीं पता है चूँकि उस तरीके से मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, पर हाँ, बचपन से ही जब मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उन दिनों छोटी थी मैं और मम्मा का शौक था कि मैं गाना गाऊं, तो वो
बोलती थी एक एक पैसा जोड़ जोड़ के 5,000 तभी बहुत मायने रखता था। तब उन्होंने हारमोनियम खरीद के ला के मुझे दिया था, मुझे याद है। और वो 5,000 करीबन 6 महीने से 1 साल में जमा हुआ था, और उस पैसे से मम्मा ने हारमोनियम ला के दिया और मुझे बोला था कि गाना सीखो, और सीखने के बाद मम्मा का गाना फेवरेट है अखियों के झरोके से, ये गाना ज़रूर सुनाना मुझे बजा के। तो मैं तब से ही मेरी चाहत थी, पर कुछ वजहों से मैं शिफ्ट हो गई, एक्टिंग करने लगी, तो कभी वैसा मौका नहीं मिला। पर हाँ, मम्मी पापा बहुत खुश हैं इस चीज़ से, और मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन की जितनी खुशियाँ हैं सब मैं किसी तरीके से चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को मैं दे पाऊँ, और हर बार कोशिश करती रहती हूँ। मेरे पापा बहुत खुश होते हैं बिकॉज मैं बता नहीं सकती हूँ, पापा गाना कभी रिलीज़ होता है उसके बाद मैंने उतनी खुशी कभी देखा नहीं उनको, कभी ऐसे देखा ही नहीं। रात में 1 बजे 2 बजे वो मेरे व्यूज़ चेक करते हैं कि आज कितना पहुँचा, कल कितना पहुँचा, और मुझे बताते हैं। सो ये एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे मम्मी पापा, बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। रितेश जी, फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस? हाँ, बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसका नाम है राजा राजकुमार। एक जो हमारे यूपी बिहार की स्टोरी होती है उसमें अक्षरा जी का रोल एक लस्सी वाली का है, और मैं एक साइकिल स्टैंड चलाता हूँ, तो उसी रास्ते मतलब सेम जगह पे ही है इनका लस्सी का दुकान भी, मेरा साइकिल का स्टैंड भी, तो कैसे मुलाकात होती है, बात तकरार, बहुत बार झगड़ा भी हुआ, तो एक क्यूट सी लव स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा हमारे दर्शकों को।